नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस से लखनऊ में आपका स्वागत है। अब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भारत के भूगोल में, ज्योग्राफी में, ठीक है, आज हम लोग राज्यों के बारे में, भारत के राज्यों संबंधित कुछ फैक्ट भी कवर करेंगे और थोड़ी सी आज अच्छे से मैपिंग देखेंगे, क्योंकि इसके बाद भारत के पर्वत, पठार, नदियाँ पढ़ चुके हैं, झीलें पढ़ चुके हैं, तो उन्हें याद करने में, उन्हें समझने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग, ठीक है, कुछ राज्यों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब अगर देखा जाए भारत में कुल कितने राज्य हैं, अब आप सोच रहे होंगे और कहीं ना कहीं मुस्कुरा भी रहे होंगे कि राज्यों की संख्या सही बताएंगे या नहीं। तो अब कुल पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब 29 नहीं, वर्तमान में कितने हैं, कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? कुल 28 राज्य हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा अभी, ठीक है। और 7 केंद्र शासित पहले राज्य थे, अब कितने हो गए? 9 केंद्र शासित राज्य हो गए, 9 केंद्र शासित राज्य हो गए, या संघ शासित क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे नवीनतम देख लिया जाए, ठीक है, तो सबसे नवीनतम जो राज्य है वो कौन सा, ठीक है, वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को, ठीक है। एक फैक्ट है हम लोगों को ध्यान रखना है, तेलंगाना, ठीक है, 2014 में बना था। और अब केंद्र शासित राज्य नवीन कौन हो गए, ठीक, तो कौन सा बना जल्दी बताइए, और कब बना? अभी अभी वक्त नहीं बीता है ज़्यादा, ठीक। तो अभी नया क्या है, नवीनतम, अगर मैं इसी बात को यहाँ पे कहूँ, नवीनतम कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर और, ठीक है, इसमें से एक लद्दाख, ठीक है। और ये कब बना? यूनिटी डे कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनका जन्मदिन कब होता है? 31 अक्टूबर को। इसी दिन क्या हुआ, एक भारत एक संविधान अर्थात 370 को हटाने के बाद जब इसे विभाजित कर दिया गया तो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ओके। तो 9 राज्यों के बारे में क्लियर हो गए, ठीक। आइए आज हम लोग थोड़ी मैपिंग करना प्रारंभ करते हैं। तो मैपिंग क्या, मैं नया क्या पढ़ा दूंगा, हाँ कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ यूनिक पॉइंट्स को, हम लोग केवल और केवल कुछ यूनिक पॉइंट को पढ़ करके पूरे इंडिया की मैप को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं समथिंग डिफरेंट होता है या नहीं, ठीक। तो पहला यूनिक पॉइंट हमको, आपको किसे देखना है, अब इसे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल। अर्थात पहला यूनिक पॉइंट अगर मैं कहूँ तो कौन हो जाएगा? पहला यूनिक पॉइंट आपका हिमाचल प्रदेश है, स्टार लगा लेते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या देखने के लिए प्रेरित किया जाए, देखो जरा आप हिमाचल में, इधर तो हम लोग जानते हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर देखिए जरा हिमाचल इस साइड इतनी बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है, इधर क्या है, चीन। तो देख रहे हैं ना, हिमाचल इतनी बाउंड्री चीन से शेयर करता है, पहला ध्यान रखने वाली बात। दूसरा जरा देखिए कि पंजाब, ये क्या है, ये पंजाब है, पंजाब यहाँ पर देखिए जरा, इधर पाकिस्तान है, इधर कौन है, पाकिस्तान। अक्सर गलती हो जाती है आपसे कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में पूछा जाता है, तो अक्सर गलत हो जा कर देते हैं आप हिमाचल। तो यूनिक पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसी के बारे में, कि इधर चीन से बाउंड्री तो बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पंजाब, इतना ही केवल आपको देखना है। देखो मैं आप जितना कह रहा हूँ आप उस पर जरा फोकस करिएगा, केवल इतने पर नज़र रखनी है, ठीक है, इतने पे
नज़र रखनी है, ठीक है, यहाँ पर कि इतनी दूरी देख रहे हैं ना, पंजाब ही सीमा बना रहा है, हिमाचल नहीं बनाता। अर्थात अब क्लियर हो गया ना, यह पंजाब हिमाचल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक। दूसरा यूनिक पॉइंट क्या है, ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये ज़रा देखिए आप अच्छे से, ये है आपका हरियाणा, क्या है, हरियाणा, ठीक है। ज़रा हरियाणा को देखिए, हरियाणा हिमाचल से भी बाउंड्री बना रहा है, यहाँ पर ये है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड से भी बाउंड्री बना रहा है, ये है आपका यूपी, यूपी से भी बाउंड्री बना रहा है, ये है पंजाब, पंजाब से भी बाउंड्री बना रहा है। लेकिन यूनिक क्या है, ध्यान क्या रखना है, यह पाकिस्तान से बिल्कुल बाउंड्री नहीं साझा करता, ठीक है। अर्थात यह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, ठीक है। तो क्या है, किस पे ध्यान रखना है, हरियाणा पे, हिमाचल के बाद हरियाणा पे, ठीक। अब यहीं पे लगे हाथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये देख रहे हैं ना बॉक्स, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर HAR लिख देता हूँ, हरियाणा समझ जाएंगे आप। लेकिन इस उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री पर जरा देखिए, ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये है आपकी राजधानी, ये हमारी राजधानी दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली। तो लगे हाथ यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है, ओके, ठीक। तो अब हम लोग और कहाँ जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ध्यान रखना है ये वाले क्षेत्र में, ये ज़रा देखो आप क्या है, ये है आपका सोनभद्र, ये क्या है, सोनभद्र। इसका मतलब मुझे किस पे देखना है, सोनभद्र पे, किस पे, सोनभद्र। यूनिक पॉइंट क्या निकला, सेकंड, सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र को ज़रा देखो तो आप, यहाँ पर ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है, ये पूरा क्षेत्र इधर क्या है, इधर एमपी है, क्या है, एमपी है। और सोनभद्र से, अर्थात सोनभद्र से एमपी भी टच करता है, क्लियर। दूसरा, सोनभद्र से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया। और सोनभद्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ पर क्या है, ये है आपका झारखंड, झारखंड से भी बाउंड्री बनाता है इतनी दूर। और इधर क्या है, इधर है आपका बिहार। अर्थात की पॉइंट क्या हमें देखना था, जहाँ पे हिमाचल हमने देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देख लिया, उसके बाद सोनभद्र में देखा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र को ही हमने टारगेट किया, यूनिक पॉइंट निकाला। और यहीं देखा कि सबसे छोटी सीमा साझा कर रहा है कौन, छत्तीसगढ़, एमपी से भी बाउंड्री बनाता है, झारखंड और बिहार से। तो अगर यहाँ पर क्लियर कर लें तो इतने राज्य आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको पूरा कैसे मैपिंग आपको की पॉइंट से तैयार कराऊंगा, ठीक। तो सोनभद्र से कौन, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, चार राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र। फैक्ट भी कवर करते चलिएगा। जरा यहाँ पर देखिएगा, बिहार के बाद क्या है, ये वेस्ट बंगाल, तृणमूल कांग्रेस वाली पार्टी, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल। अब हमें वेस्ट बंगाल को बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना है। ज़रा इसे देखिएगा, ये क्या है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का, सिक्किम, देख रहे हैं ना। देखने में तो यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है, तो छोटा कैसे हो गया, क्योंकि देखो जरा आप, वेस्ट बंगाल ये पतला सा यहाँ तक जाता है, और इसका पश्चिम बंगाल का एक सिटी दार्जिलिंग, कौन सी, दार्जिलिंग, जो चाय के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। और भारत में सबसे पहले चाय में, किस चाय को कहा कि चाय को जीआई टैग दिया गया था, कि यही दार्जिलिंग। जरा दार्जिलिंग की पोजीशन देखो, ज्योग्राफी देखो, तो कहाँ पे दिख रही है, वेस्ट बंगाल यहाँ सिक्किम के अंदर तक है, तो दार्जिलिंग वाला भाग सिक्किम के
अंदर जाता है, इसका मतलब इसीलिए आकार में इतना बड़ा होने दिखाई देने के बावजूद भी यह सबसे छोटा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का विस्तार यहाँ तक मिलता है। ठीक, तो की पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को देखना है किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट कहाँ हम लोगों को देखना है, यहाँ तक। ज़रा देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है देश कौन है, भूटान। यहाँ पर कौन देश है, भूटान। अब देखो वेस्ट बंगाल सिक्किम में भी गया और लौट करके आया कहाँ पे, यहाँ तक आया। इसका मतलब भूटान के साथ भी सीमा साझा कौन करता है, वेस्ट बंगाल। अक्सर मैपिंग से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जहाँ जहाँ मैं यूनिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आप उन्हीं को ध्यान रख लो बस। ठीक है, तो दार्जिलिंग यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, यही वेस्ट बंगाल यहाँ तक आता है ना। ठीक, अब देखो जरा आगे, अगर हम आगे बढ़ें इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में पूर्वोत्तर भारत से, कहाँ से, पूर्वोत्तर भारत से। आइए यहाँ पर क्या राज्यगत अध्ययन कैसे करेंगे हम, कैसे आपको की पॉइंट से समझाऊंगा। आप एक राज्य को क्लियर कर लो, किसको, एक राज्य को पढ़ लो, बाकी देखो आपको पूरी की पूरी इधर की मैपिंग मैं बहुत क्लियर कर दूंगा। जरा देखिए यहाँ पे जहाँ से समाप्त हुआ, इसी की ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री इस साइड से आते हुए यहाँ से ये, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये राज्य कौन सा है, ये है आपका, ये है मेघालय। ये क्या है, मेघालय। अर्थात हमें की पॉइंट किसे हम यूनिक पॉइंट डिस्कस करेंगे, असम को, किसको, असम को। अर्थात हमारा यूनिक पॉइंट फिर कौन सा मिला, चौथा, एक दो तीन चार पांचवा यूनिक पॉइंट क्या हो जाएगा, असम। असम से कैसे समझ जाएंगे भला, देखिए इस मेघालय के ऊपर भी क्या है, ये पूरा असम है, ये पूरा असम है। और की पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जरा देखिए यहाँ पर भी क्या है, अर्थात ये त्रिपुरा, ये क्या है, ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा और मेघालय के मध्य में भी कुछ दूरी तक बांग्लादेश, इधर कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार असम में बांग्लादेशियों का ज़्यादा संख्या होने से आप एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर है उसका जो विवाद चल रहा है, ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है असम, और यहाँ पर भी बनाता है। ठीक, अब यहाँ से फैक्ट भी कवर करेंगे, ज़रा देखिएगा, ये पूरा असम हो गया, तो दोनों तरफ से कौन असम से कवर हो गया, मेघालय, ध्यान रखना है। और इधर सबसे ऊपर कौन है, अरुणाचल, अरुणाचल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है नागालैंड, कौन है, नागालैंड, तो नागालैंड के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है मणिपुर, कौन है, मणिपुर, तो यहाँ पे मणिपुर। उसके बाद यहाँ पर ये राज्य कौन सा है, ये है आपका मिजोरम, ये क्या है, मिजोरम। जरा मिजोरम की लोकेशन देखिए, अक्सर बड़े पेपर को भी टैकल आसानी से अब किया जा सकता है अगर आप ऐसी मैपिंग देख लें और कुछ यूनिक पॉइंट को ढूंढ लें। तो एक यूनिक पॉइंट आपको असम राज्य में मिली तो कहाँ कहाँ, यहाँ पर इतना, और यहाँ पर एक पॉइंट और भी है जो पश्चिम बंगाल, क्या है, असम राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है, कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जितने ट्रांजिशन हैं, संक्रमण क्षेत्र, जितने ट्रांजिशन क्षेत्र हैं, वही आपके लिए की पॉइंट है, यही सबसे यूनिक है सीखने के लिए। तो कहाँ सीखेंगे, यहाँ सीखेंगे, यहाँ सीखेंगे, यहाँ पे। ठीक, इसके बाद मिजोरम, मिजोरम के साथ बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पर आता है, ज़रा देखिएगा, इस साइड से जा कर के यहाँ पर है ऐसा मिजोरम। इसका मतलब क्या है, मिजोरम भी किससे, असम से सीमा साझा करता है, इसलिए मैं इस पे स्टार बना दूंगा। अक्सर आपसे यहाँ पे गलती हो
हो जाती है कि आप इसे क्या है, इसे शामिल कर देते हैं और इसे अलग कर देते हैं। तो मिजोरम भी क्या है, इससे सीमा साझा करता है। जरा अब काउंट करिए, असम अर्थात पूर्वोत्तर भारत का फैक्ट, पूर्वोत्तर भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अर्थात इधर वाले सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ अकेले सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? असम। सिर्फ और सिर्फ किसे छोड़ करके? पूर्वोत्तर भारत में शामिल सिक्किम राज्य को छोड़ करके सब के साथ सीमा। देखो कितना आसानी से कवर हो गया ना। ठीक, अब लगे हाथ यहाँ से कुछ और जो फैक्ट पूछे जाते हैं पड़ोसी देशों के साथ, वो मैं बता देता हूँ। इधर ऊपर चीन है और इधर इसके इधर क्या है, म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। तो बार बार आता है कि म्यांमार के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, क्योंकि ये है, आपको इस साइड से मिलेगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। ठीक, तो की पॉइंट यहाँ पर। ओके, अब आइए कुछ यूनिक पॉइंट्स को हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो ये होगा कि अब राज्यों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे तटीय राज्यों को क्या करेंगे, तटीय राज्यों को पढ़ लें। जरा देखिए कौन से हैं तटीय राज्य, अर्थात जो समुद्र के साथ कहीं ना कहीं सीमा साझा करते हैं। अर्थात इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ओके, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा पूरी मैपिंग। देखो जरा यहाँ से आप देखोगे तो ये है आपका गुजरात, गुजरात है ना एक, इसके बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र दो, इसके नीचे क्या है, महाराष्ट्र के नीचे आपको छोटा सा आपको गोवा मिलेगा। क्या मिलेगा, गोवा मिलेगा थर्ड, इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक चौथा। ओके, उसके बाद नीचे पतला सा आप देखेंगे ऐसे लंबाई में तो आपको क्या मिलेगा, केरल। क्या मिलेगा, केरल। ओके, तो पांच हो गए। जरा इधर देखिए, इधर क्या है पूरा, इधर आपको मिल जाएगा तमिलनाडु सिक्स्थ नंबर, उसके ऊपर क्या है आपको मिलेगा, आंध्र प्रदेश सेवेंथ नंबर, उसके ऊपर क्या है, उड़ीसा ठीक है आठ, और ये भी तटीय राज्य में आता है तो इस तरीके से नाइन्थ नंबर के। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि इधर क्या है पूरा, आंध्र प्रदेश, इधर क्या है आपको, तमिलनाडु। ठीक है, इधर वाले राज्य, अगर तटीय राज्य, देखो की पॉइंट हमने पढ़ा है आपको, जो यूनिक पॉइंट थे वहाँ पर अगर मैं मैपिंग में ध्यान रख लूँ तो अब वहाँ से सीधे कहाँ आना है, भारत के तटीय राज्यों के पास। तो तटीय राज्यों में कितने मिल जाएंगे आपको, नौ मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना। ठीक, तो अब इतने राज्य हो गए, इसका मतलब हमें काम कहाँ करना चाहिए था, यूनिक पॉइंट जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, और हमें तटीय राज्यों के बारे में पढ़ लेना चाहिए था, बाकी शेष बच कौन जाएंगे। जरा देखिए ये क्या है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान, अब भारत के बीचों बीच क्या है ये पूरा, मध्य प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश से कटा हुआ भाग क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना। है ना आसान भारत की मैपिंग पढ़ना, पहले हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद में क्या, तटीय राज्यों के बारे में पढ़ लिया, अब बीच वाले जितने भी राज्य हैं वो अपने आप निकल करके आंसर आ गया। तो कौन से अब ऐसे हैं जो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और कितने हैं जो नहीं बनाते हैं, तो आप गिन भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, इधर आपको पाकिस्तान मिलेगा, इधर आपको अफगानिस्तान मिलेगा, इधर आपको चीन मिलेगा, इधर आपको नेपाल मिलेगा, और इधर भूटान है ही है।
ठीक है, और उसके ऊपर क्या मिलेगा, म्यांमार है, और म्यांमार के इधर क्या है पूरा, इधर पूरा अंदर बांग्लादेश है। तो काउंट भी कर सकते हैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, अब लेह लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश चीन के साथ, उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तराखंड के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बनाता है, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, फिर क्या है असम, असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये पूरे क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, गिन लीजिएगा आपको 17 मिल जाएंगे, उसको गिन लेंगे तो नया जो बन गया 18 हो जाएंगे राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिला करके, ओके। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, आखिर में इंडिया का मैप तो घर में है, पता है, और इंडिया का मैप पढ़ाना, ठीक है, नया क्या हो जाएगा। तो नया यही था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ कहाँ से आप गलत करते हैं, वहीं वहीं हमने इस केवल असम को समझाया अच्छे से, ठीक है। तो आपका पूरा आंसर निकल गया, ठीक है। उधर हम लोगों ने सिक्किम को देख लिया अच्छे से, हिमाचल को देख लिया, हरियाणा को देख लिया। अच्छा, अब कोई कहे कि भारत के अंतःस्थलीय राज्य कौन है, मतलब ऐसे राज्य जो कहीं से भी तटीय सीमा या किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करते, अंदर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे जरा देखिए, तटीय राज्य आपने क्लियर कर ही लिया, तो बचा कौन सा था, ये तेलंगाना है ना, मध्य प्रदेश, ये जरा देखिए छत्तीसगढ़, ये भी कहीं बाउंड्री बनाया क्या, झारखंड, तो झारखंड हो गया, ठीक है। और इधर जरा देख लीजिएगा हरियाणा, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसी भी देश के साथ, ठीक है, सीमा साझा नहीं करती या तटीय किसी समुद्र से भी बाउंड्री नहीं लगाती। तो कैसे मैपिंग आसानी से की जा सकती है, कुछ की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ओके। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो पढ़ रही है और आपको पूरी कंटिन्यू ज्योग्राफी मिलती रहेगी, ओके। थैंक यू क्लास।